गाइज आज हम लोग जा रहे हैं मंदरवनी भाई, मोस्ट वेटेड ट्रिप। तो गाइज एक तो चीज है, हम लोग आज बाइक लेके नहीं जा रहे, हम लोग आज जा रहे हैं कार से। मेरा आईटेन लेके जा रहा हूँ हम लोग। तो जो भी है गाइज, हम लोग साथ में हम लोग आज एंजॉय करेंगे वीकेंड ट्रिप। गाइज देख सकते हो बैग वगैरह सब है पैक। और कल रात ही मैं और अपना राहुल, बाइकर राहुल आ चुके थे सनी भाई के घर पे। तो भाई सनी रेडी, भाई सब रेडी है? तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग जर्नी। अभी टाइम देख सकते हो गाइस 5:30 बज चुका है। तो चलिए गाइस चलते हैं और आप लोगों से बीच में मिलते हैं रोड पे। पता नहीं, मोटर ब्लॉगिंग तो आज हो नहीं रहा है, हम लोग कार से जा रहे हैं। तो भाई लाइट क्या जला के जाएंगे? तो भाई और फिर से वापस आना पड़ रहा है, लाइट का होगा। गाइस आज का वेदर आप लोग एक बार चेक कर लो। और अभी स्टिल बारिश हो रहा है और मुझे जो लग रहा है जो दिन भर ऐसे ही होने वाला है। भाई ये क्या है भाई हाथ में? ये ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स भाई उसमें क्या है? उसमें जादू है। थोड़ा मेरा छोटू उधर पार्क है, आइडन का मैंने गाइस नाम रख दिया छोटू। छोटू वहाँ पे पार्क था कल रात को। तो आज का ट्रिप गाइस बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं NH6 में, धूलागढ़ में है और कॉफी पी रहा है। मॉर्निंग के टाइम देख सकते हो गाइस मेरा गाड़ी का क्या हालत हो चुका है। तो एक्चुअली मैं और राहुल प्लान किया था कि बाइक से आए और ये सनी भाई अपना। तो सनी और मैं, सनी एक्चुअली स्पेशली प्लान किया था कि गाड़ी से आने के लिए। और जो कि ये डिसीजन सही डिसीजन है गाइस, नहीं तो बारिश में भीगना पड़ता। लेकिन उसका अलग एक एडवेंचर है। तो कुछ राइडर भाई लोग यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो। तो देख सकते हो भाई सबको रेनकोट पहन के जा रहा है। तो अगर हम लोग बाइक लेके आते तो हम लोग भी ऐसे ही करना पड़ता। लेकिन सुपर बाइक लेके रेनकोट पहन के जाना भाई कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता सुपर बाइक लेके रेनकोट पहन के जाना। तो आपका डिसीजन सही निकला ना? हम हमेशा सही बोलते, लोग देरी से समझते भाई साहब। सुबह से क्या है ना, बारिश उमड़े का नाम ही नहीं ले रहा है। तो लगता है यार दिन भर का तो ऐसे ही होगा पूरा। कुछ ठीक था भाई सनी भाई, हम लोग जा कहाँ रहा है थोड़ा बताओ? मंगल होने वाला है। देखो आगे गाड़ी भी आ गया, अभी जाएंगे कैसे? सिस्टम है। तो पूरा रोड हम लोग को अच्छा ही मिला। लास्ट का जो 10 किलोमीटर विलेज वाला रोड है वो तो भाई बहुत ही नैरो और रोड कंडीशन भी बहुत ही खराब है। वो दिख गया हम लोग का होटल मंदरवनी ग्रीन रिसोर्ट। चलो चलो, जंगल है मंगल है। तो जगह मिल गया लॉर्ड एस्प्रेसो। वाह थैंक यू। तो भाई रिसोर्ट तो बहुत सुंदर किंतु तो गाइस आ गए हम लोगों का रिसोर्ट। ये हाँ पीछे हम लोगों का रिसोर्ट। तो भाई बहुत ही अच्छा रिसोर्ट बुक किया। तो ऑलरेडी पावन भाई आ गए यहाँ पे, इन्होंने हमें वेट कराया कम से कम 25 मिनट। बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, करते करते कम से कम 1 घंटा हुआ होगा गाइस। वेरी चीटिंग गाइस, 25 मिनट लेट भी लेट होता है। और इतना लंबा जर्नी है आप लोग पता ही है, 4 घंटे का जर्नी है। 25 गरीब लोगों को कौन समझता है। तो भैया पहले आ गया, देख लो। तो भैया साउथ कलकत्ता से, हम लोग आए नॉर्थ कलकत्ता से, थोड़ा आगे पीछे हो गया रोड कंडीशन। तो लास्ट का आप लोगों को पता ही है। तो भैया आपका गाड़ी वगैरह सब हो गया पार्क अंदर? भाई हाथ में ये क्या चीज है भाई? मैजिक बॉक्स है। तो सुपर इंपॉर्टेंट मिला है क्या? किसी को किल फील करना है क्या? सुपर ही लिया है तो ये मिस्ट्री बॉक्स। और इसके अंदर क्या है आपको देखने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना होगा। लास्ट तक। और मिस्ट्री बॉक्स के जो अंदर चीज है आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। लास्ट तक देखना पड़ेगा ना वीडियो में। तो गाइस ये 2 रूम हम लोग के लिए है, अभी रेडी हो रहा है, क्लीन हो रहा है। थोड़ा 5-7 मिनट टाइम लगेगा। और रिसोर्ट में क्या आना, सबसे अच्छा चीज़ जो सबको चाहिए एक पूल। ये हम लोगों का आज के लिए पूल हमारा। क्या बोलते हैं सनी भाई, ये पूल आज के लिए हम लोगों का? तवाही होगा क्या इसमें? इसमें तवाही होगा? तो गाइज तो ये पूरा आपका एक व्यू दिखा देता हूँ मंदरमनी ग्रीन रिसोर्ट का। तो रिसेप्शन वगैरह सब उस तरफ है
और ये सब लाइन से यहाँ पे कॉटेज वगैरह है, तो ये सब बुक है। मैं स्पेशली वो वाला रूम बोल रहा था लेकिन वो बुक है, हम लोग को ये दो रूम मिला है। अरे ये क्या कर रही है, संभाल के गिर जाओगे, ये क्या हो रहा है, किस खुशी में एक्साइटेड हो? हाँ। रिसोर्ट पसंद आया? बहुत ही पसंद आ गया ईशा को रिसोर्ट। और सनी भाई तू और लेजीनेस मत दिखा भाई, चल बीच के साइड जाते, चल सी साइड चलते, चल अभी 10-15 मिनट लगेगा, रूम रेडी हो तब तक हम लोग थोड़ा घूम के आते, चल चलो भाई चलो, रेडी बीच दिखे जा, 15 मिनट लगे, चल 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 चल। अरे आप दोनों तो ऐसा लग रहा है कि शुगर बेबी, डैडी नहीं शुगर बेबी लग रहा है आप लोगों को, एकदम पांडा जैसा है भाई, पूरा पांडा एकदम सुस्ती में ऑल टाइम। और राहुल तो भाई अभी क्या पानी में जाएगा क्या? हाँ जाओ भाई जाओ, बीच में आए पानी में नहीं जाएगा, हो सकता है एकदम भाई। और इंदु ने चला गया भाई नहाने, और सनी तू भी जा ले भाई, हमारा तो जो सिंगल अच्छी नारियल पानी तो भाई ने पी लिया और मलाई भी अंदर का पूरा ही मार दिया भाई, अभी डाब भी ऊपर वाला छिलका भी खा लेगा क्या पूरा? तुम खा सकते है भाई और आने के टाइम बहुत ज्यादा बारिश हम लोगों को मिला है, जस्ट आने के आधा घंटा पहले शायद बारिश रुक गया था। तो राहुल और ईशा उस तरफ, सनी अभी गया है थोड़ा सा मज़ा लिया जाते बीच साइड का, उसके बाद हम भी जाएंगे, होटल शायद हो गया होगा रेडी। बीच इंजॉय करते हैं गाइस, लेकिन समुंदर में नहाना अच्छा नहीं लगता है, तो टेंट वगैरह हो जाता है, अभी हम पूल में जाएंगे, पूल में ही नहाएंगे। 2-3 साल पहले गाइस यहाँ पे यश के चलते हुए भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये शायद कोई होटल था, ये पूरा देख सकते हो पूरा बर्बाद हो चुका है। समुंदर छोड़ दे भाई, हम लोग पुल में ही जाते हैं, नहीं अनबॉक्स नहीं, पुल वाला मस्ती हम लोग करते, वही बेस्ट है। तो बेकार का ऐसे ही टैन होके रखा है और टैन नहीं होना है। तो गाइस पूल तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया है, तो रूम आप लोग एक बार रूम चेक करा देता हूँ। तो एक यहाँ पे मिरर टाइप है, तो सामान यहाँ पे कुछ रख सकते हो, और एक मिरर, और गाइस इसमें हूँ मैं। तो एक वॉशरूम तो बहुत बढ़िया है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, तो वॉशरूम भी दिखा देता आप लोगों को, तो इजी होगा इसको आना होगा। तो भाई यहाँ पे है अपना सनी भाई, तो भाई रूम कैसा है एक बार बताओ? रूम बहुत बढ़िया है। और सनी भाई अपना ब्लैक बॉक्स लेके कुछ काम कर रहा है, इसमें क्या है मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ, और ये जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, तही तो सनी वही है ना? तो गाइस एसी, एलईडी टीवी, मिनी फ्रिज और जो जो होना चाहिए सब कुछ है यहाँ पे, और हम लोग का स्नैक्स भी आ चुका है। थोड़ा सा आपको सी बीच थोड़ा सा दूर है, पैदल आपको जाना पड़ेगा, तो बस अभी पूल में जाने की तैयारी हो रहा है, सनी भाई ऑलमोस्ट रेडी है, मुझे भी रेडी होना है, पूल में स्विमिंग करने के लिए थोड़ा सा टाइम मांग रहा है, तो ये भाई यहाँ पे रूल्स है कि यहाँ पे हम लोग को स्विम करने देंगे, और क्या बोलेगा भाई, जो बोल रहा है वो नहीं उतरेगा, अंदर सुन बाद ही उतरेगा। थोड़ा सा दिखाता हूँ, अभी करीबन 8:10-15 मिनट हो रहा होगा। तो गाइस आप लोग रिसोर्ट का नाइट वाला व्यू कैसा है आप लोग को चेक करा दो, गाइस एक बार देख लो भाई, बहुत ही बेस्ट है मुझे जो लग रहा है। तो ऐसे ही मुझे एक वीकेंड ट्रिप करना था, फाइनली ट्रिप इज हैपनिंग गाइस, बहुत ही बेस्ट है ये रिसोर्ट, ठीक है। एक तो थोड़ा सा सी साइड से थोड़ा सा दूर है, बस उतना भी नहीं है, बट लोकेशन भाई बहुत ही सुंदर है। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9, इवनिंग में काफ़ी सारा मस्ती हुआ, वीडियो और बना नहीं पाए गाइस, अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को यहाँ पे एंड किया जाए। लोग अगर यहाँ पे आने के प्लान करो तो बिंदास आ सकते हो, कॉटेज इज़ वेरी गुड नो डाउट,
और प्राइस रेंज भी बहुत ही सही है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली है, एफोर्डेबल है भाई। और रेनी सीजन भी ख़त्म होने वाला है और एक दो महीने में, आप लोग आना चाहते हो भाई ज़रूर से आ जाना, बहुत ही बेस्ट लग रहा है, एकदम परफेक्ट। तो एकदम होता है ना कि जो प्लान करते हो वैसे ही वाला ट्रिप, वैसे ही ट्रिप हो रहा है, परफेक्ट परफेक्ट जस्ट ऑसम ट्रिप भाई, बहुत ही अच्छा है। और अभी सनी राहुल सब कुछ सो रहा है और देख सकते हो पूरा होटल ही भाई सब कुछ अंदर है, मैं ही थोड़ा अभी बाहर निकला हूँ। तो ठीक है गाइस, ये मोमेंट एंजॉय करना है। इतना देर बाद राहुल भाई आ रहा है, सनी भाई अभी रूम में है, रेस्ट ले रहा है, घूमी पड़े जाना फोन देख सर। तो गाइज मेरा जो छोटू वाला कार है ना गाइज, जो गंदा हुआ था आने के टाइम, अभी वो ऑलमोस्ट बारिश के लिए पूरा क्लीन हो चुका है। इवनिंग की बारिश हो जाएगी, कंटिन्यूअस बारिश हो ही है। तो इवनिंग से क्या ना बारिश हो ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं है। जब से हम लोग घर से जब निकला तब से बारिश हो रहा है। तो अच्छा हुआ कि हम लोग बाइक से नहीं आया, बाइक से भी एक एडवेंचर होता, लेकिन भाई सुपर बाइक लेके भाई बहुत बड़ा परेशानी हो जाता, क्योंकि रेनकोट वगैरह पहन के सुपर बाइक चलाना भाई इम्पॉसिबल, अच्छा भी नहीं लगता, देखने भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो भाई ज़रूर से बाइक लेके आएंगे, आज भी तो बाइक नहीं, तो मैं राहुल प्लान कर लिया नेक्स्ट टाइम जब आएंगे बाइक से आएंगे। तो गाइस नेक्स्ट टाइम भाई बहुत ही एक्साइटेड, कार से आए नॉर्मल है, ठीक है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, अच्छा फील हो रहा है, देख सकते हो ऐसे ही ट्रिप हम लोग चला रहे थे, बहुत ही अच्छा व्यू है, होटल भी नो डाउट बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या ना गाइस वो एक्साइटमेंट नहीं आता जब तक बाइक से नहीं आता, क्या भाई। तो बाइक से आने का एक अलग से मज़ा है भाई, वो ये फील आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, जो ट्रू बाइकर है उनको ही समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या भाई। तो हैंडल हाथ पर आते ही फील अलग है। हाँ, और ऊपर से क्या है ना गाइज सुपर बाइक का बात अलग ही है, यहाँ पे हल्का हल्का बारिश हो रहा है भाई, क्या बताए नेक्स्ट लेवल का है भाई। जो ट्रिप मैं चाहता हूँ ना समुंदर किनारे, देखो बारिश रेनी सीजन में जो फील होता है ना, कोई भी ट्रिप आप करो अगर आपके पास बाइक नहीं है तो फोर व्हीलर से आप आ रहे हो तो भाई भाई गजब है भाई, बहुत ही अच्छा फील होता है ना, यहाँ ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे वेदर। तो आप लोगों को फिर से एक बार पुल का व्यू चेक करा था भाई, बेस्ट है बेस्ट बेस्ट। तो पता नहीं यार यहाँ पे अभी आधा घंटा एक घंटा तो रहेंगे फिर सोएंगे, कल का जो भी सीन है गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपलोड कर दूँगा। तो गाइज टाटा बाय बाय, सेफ राइड।